फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक नया चैप्टर शुरू करने जाऊंगा जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, जो कि है चैप्टर 14, वो फिजिक्स का साइंस का चैप्टर। आज हम इसको शुरू करेंगे इस चैप्टर को। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड बाय ऑल ऑफ अस ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। We are use it for various reasons. If we look around us anywhere we go, we will find a number of objects that run on electricity. Here is a picture of kitchen showing a few objects. Pick out the ones that run on electricity. Write their name in the space provided below. अब जैसे कि इसमें दे रखा है कौन सा इलेक्ट्रिसिटी से काम कर रहे हैं, कितने हैं, तो आप काउंट करके बता सकते हैं कि कितने हैं। चलिए मैं भी काउंट करता हूँ। सबसे पहला ये रहा, नाउ सेकंड ये रहा, नाउ थर्ड ये रहा, नाउ फोर्थ ये रहा, नाउ मोबाइल और लैपटॉप भी तो है ना। चलिए ये भी, चलो बस। चलिए अब आंसर चेक करते हैं। जैसे कि अब आप देख सकते हैं, सबसे पहला है मिक्सर, वो हमने कर रखा है। चलिए दोबारा से मार्क कर देते हैं मिक्सर, फ्रिज, एग्जॉस्ट फैन, माइक्रोवेव एंड नाउ मोबाइल एंड लैपटॉप, ये सब हमने ढूंढ लिए। अब दोबारा से चेक कर ले, 1 2 3 4 5 6, चलिए सब सही है हमारे। चलिए अब फर्स्ट पेज पढ़ते हैं। Chapter, you will learn about electric current that need to produce condition required to make electric current flow and make the material through which current can flow. You will learn some very interesting things like how to make a small bulb glow and how to make an electric switch. चलिए अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट। शुरुआत में बताएं, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे और यही बताएंगे हम छोटे से बल्ब कैसे बना सकते हैं और वही बल्ब ग्लो कैसे कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक स्विच कैसे बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और इलेक्ट्रिक स्विच पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द डिवाइस आर मशीन वी यूज सच एज एन इलेक्ट्रिक आयरन ओवन, रूम हीटर, रेफ्रिजरेटर, सीलिंग फैन एंड इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में होती हैं जो इलेक्ट्रिक करंट से ही फ्लो करती हैं और बहुत सारी ऐसी होती हैं जो बिना इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करती हैं, जैसे कि चाकू, चेयर, सिंक, हैंड पंप। वैसे वो भी इलेक्ट्रिसिटी के काम करता है, समर वो काम करता है, पर ये कुछ चीज़ ऐसी होती हैं अधिकतर जो इलेक्ट्रिक करंट से ही करती हैं, जैसे कि एसी, ओवन, रूम हीटर, रेफ्रिजरेटर एटसेट्रा। द कॉमन इलेक्ट्रिक बल्ब इज ऑल्सो नोन एज इनकैंडेसेंट बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब को इनकैंडेसेंट बल्ब भी कहते हैं। विथ हेल्प फ्रॉम एन एडल्ट लुक एट वॉट इज इनसाइड द ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक बल्ब अमंग अदर थिंग यू विल सी दैट इट हैज़ अ थिन फिलामेंट, अ वेरी थिन मेटल वायर। द फिलामेंट हीट अप व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट। इट हीट अप सो मच इट is begin to glow and give out light. It filled with a
inert gas may not react, so that filament does not burn up when it get hot. Now when it get hot, वो बर्न नहीं होता जब वो गर्म हो जाता है. अब मैं इसका मतलब समझाऊंगा. जैसे कि मैंने बता दिया था, इनकैंडेसेंट बल्ब कहते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब को. और ये जो होता है बल्ब, उसके अंदर एक फिलामेंट होता है बहुत पतला मेटल जैसा. उसके अंदर जो होता है ना, वहीं से गर्माहट आती है उसमें. वो जलता नहीं है पर एकदम चमक आ जाती है. गर्मी आती है तो वो चमकता है तो वो बल्ब जलती है. तो फिलामेंट बहुत ज़रूरी होता है. अगर फिलामेंट टूट जाता तो वो काम नहीं करता. नाउ वी विल लर्न व्हाट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट. अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट कैसे होता है. अब मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगा. ये सब जो होते हैं सेल और बैटरीज हैं. सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ यही हैं. A device that can be used to produce an electric current is called a source of electric current. Common sources of electric current are cell and batteries. Collection of cells which comes in various shape and sizes, and electric current flow with get a plug point in houses. As very useful kind of cell that we use very often in the dry cell. Due to a chemical reaction that take a place in cell and batteries, electric current is produced. Flowing water or stream is used for the large scale generation of electricity. जो electricity होती है ना वो बहुत important होती है. Electricity. और electricity नहीं होती है तो एक source of इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट होते हैं जो होती हैं बैटरीज. बैटरीज बहुत तरीके की होती है, जैसे कि सबसे छोटी और उससे बड़ी ये सबसे बड़ी जो पूरे जैसे कि कोई स्मॉल गांव है उसके लिए यूज़ की जाती है. एक बड़ी बैटरी भी होती हैं, ठीक है, इस तरीके की बैटरी. ओके, तो इसका मतलब बताना चाह रहा है सेल और ये बहुत अलग अलग तरीके की होती है. और ये इसमें हमें प्लग में नहीं लगाना पड़ता, इसके अंदर खुद पावर होती है. वो फिर कभी कभार इसकी पावर ख़त्म हो जाती है तो हमें इस नया सेल लाना पड़ता है. जैसे कि आप देखते होंगे आपके रिमोट में सेल डालना पड़ता होगा. आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सेल डालना पड़ता है. और मेनली सेल कौन सा यूज़ किया जाता है आप सबको ही पता होगा, वो होता है ड्राई सेल भी कुछ तरीके का होता है. इसमें ये है ड्राई सेल एक पतला होता है और एक मोटा. ओके फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई विल टीच यू दिस ओनली. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू next two pages of this chapter. Thank you guys for watching this video. Please like, share and subscribe my channel, and write in comment box, do you like my video.